श्री राम समर्थ अगस्त 13। देह के भोग और आनंद तुम्हें अपने हित के लिए दूसरे के काम आना जरूरी है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा ने ही उसे ऐसी स्थिति में रखा है, उसके खिलाफ कैसे जाएं। तुम परमात्मा के खिलाफ जा नहीं सकते, लेकिन अपने लाभ के लिए यानी अपनी देह बुद्धि कम होने के लिए दूसरे के काम आना जरूरी है। जैसे छोटे बच्चों को मिठाई आदि देने पर घर के मालिक के पास वह पहुंचती है, वैसे ही लोगों के काम आने पर वह परमात्मा को प्राप्त होती है। परमात्मा के द्वारा भेजे गए संकट दुख पीड़ाएं, इसमें हमें आनंद आना चाहिए। यदि मैं तुम्हें किसी बीमार आदमी की सेवा करने के लिए कहूँ तो वह काम तुम बड़ी प्रसन्नता से करो। सद्गुरु ने हमें यह काम करने के लिए कहा है, किसका तुम्हें आनंद होगा। फिर परमात्मा के द्वारा हमारे लिए निर्माण की गई पीड़ाएं संकट दुख, इनका तुम्हें आनंद क्यों नहीं होता। लेकिन परमात्मा हमारा सब प्रकार से हित करता है, ऐसा दृढ़ विश्वास तुम्हारा है कहाँ। परमात्मा के ही भेजे संकट उन्हीं से दूर करने के लिए कहे, क्या यह विचित्र बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि भोग तो भोगना ही चाहिए, यदि अभी नहीं भोगा तो आगे कभी भोगना ही पड़ेगा। तुम कहते हो कि देह सुस्थिति में होती है तब देह का विस्मरण होता है, लेकिन तुम्हें देह का पूरा विस्मरण कभी होता ही नहीं, उसका स्मरण सामान्यता बना रहता है। हाँ, बीमारी वगैरह आती है तब उसका भान थोड़ा अधिक होता है, यह सही है। बीमारी और उसका दुख, ये दो बातें अलग अलग हैं। इसलिए बीमारी आने पर भी मनुष्य आनंद में रह सकता है। जिसके मन में अखंड भगवंत है उसी को आनंद से जीना संभव होगा। इसलिए जो आनंद में जीना चाहता है उसे नामस्मरण करना चाहिए और भगवान के अनुसंधान में रहना चाहिए। अनुसंधान किसे कहा जाए, उठते बैठते जप करते पढ़ते गपशप करते हंसी मजाक करते, मतलब हमारी सब क्रियाओं में भगवान के साथ संबंध और संदर्भ बना रहे, यही अनुसंधान है। भगवान से अनुसंधान हमें उसके पास ले जाता है। मन का निश्चय करे कि मैं अनुसंधान दृढ़ करूंगा। संसार के प्रवाह में विपरीत तैरना ही भगवान से अनुसंधान है। भगवान के होकर गृहस्थी करना सर्वश्रेष्ठ कला है। भक्त को वह कला अवगत होने पर भक्त भगवंत में लीन होता है और उसे संसार में आनंद ही दिखता है। आज का मुख्य विचार, देह के सुख दुख प्रारब्ध पर छोड़ दे और प्रयत्न और प्रेम से नामस्मरण करे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.